आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक झटपट सी इवनिंग स्नैक रेसिपी। तो अगर आप इसे रखते हैं किसी गेस्ट के सामने भी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। ड्रीम डायरी में आपका स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू, जिसको मैंने बॉईल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मैश किया है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, और ये जो अगर है आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ब्लैक पेपर, सॉल्ट, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्ची जो है वो मैंने उनको ड्राई रोस्ट करके उसको बारीक पीस लिया है। तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं इसे एटलीस्ट फॉर अ मंथ अगर आप ड्राई रोस्ट करके इसको स्टोर करते हैं। तो मैं नॉर्मली इसको देसी रेसिपीज में यूज करती हूँ, वो हम इसमें मैरिनेशन में यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पर है हमारे पास कोरिएंडर, जिसको मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। उसी के साथ है मिंट लीव, और ये जो है मैं यूज करूंगी इसको गार्निशिंग के लिए। ये है मेरा कॉर्नफ्लावर जो कोटिंग के लिए मैं यूज करूंगी, इसका हमने पेस्ट बनाना है बाद में। उसी के साथ है यहाँ पर मेरे पास सेवई, मेरे पास थी जो वो रोस्टेड सेवई थी, अगर आपके पास नॉर्मल जो कच्ची आती है वो अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़े से जो पोटैटोज हैं वो अलग रख लूंगी, ये मैं बाद में इसके एग्स बनाऊंगी, तो ये मैंने अलग रख लिए हैं। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब जो भी मेरे पास पाउडर मसाले थे वो मैंने इतने आलू में ऐड कर लिए, साथ ही उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ धनिया जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है। इसको हम डालकर हमारे आलू को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारे आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट बॉईल होने चाहिए, इसके अंदर हमें लम्स नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से होने चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से स्मैश हो जाए। अब मैंने इसको मिक्स करके रख लिया था साथ में। यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर पानी के साथ में, जिसका हम लिक्विड बना लेंगे। बिल्कुल हमने इसको लिक्विड क्वांटिटी में रखना है, थिक नहीं रखना है क्योंकि जस्ट हमने इसकी कोटिंग करनी है। ओके, अब हमें जितना चाहिए यहाँ पर, जो भी साइज चाहिए हमारे नेस्ट का, उतने साइज का हम बॉल ले लेंगे। इस तरीके से बॉल बनाने के बाद हम थंब की मदद से बीच में होल बना लेंगे। ये थोड़ा सा हम डीप होल बनाएंगे क्योंकि जब हम इसको डिप करेंगे सेवई में और हमारी कोटिंग में जो हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग बनाई है, तो ये थोड़ा सा जो है वो अफेक्ट करेगा इसको, तो हम थोड़ा सा डीप इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है सारे। मैं इसी तरीके से पहले जो है वो बॉल्स बना के रख लूंगी और उसके बाद में कोटिंग करूंगी इसकी। ये इसी तरीके से आप जो है वो बीच में थोड़ा सा ज्यादा सा जो है वो होल बनाएं, क्योंकि जब आप सेवई लगाएंगे तो इसका होल जो है वो बीच का वो श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा वो कम हो जाएगा, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा ज्यादा रखें। ये बस अब मैं रेडी करने लगी हूँ और ये सारे बॉल्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये मैं पानी की हेल्प ले रही हूँ बीच में होल करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका थंब जो है वो स्टिक कर रहा है पोटैटो के साथ में, तो आप पानी लगाकर होल कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने रेडी कर लिए। अब हम इसको डिप करेंगे हमारे कॉर्नफ्लावर के लिक्विड में। ये देखिए बिल्कुल पतला सा है ये। अगर आप चाहें तो आप एग भी यूज कर सकते हैं, पर ये रेसिपी मैंने बनाई है स्पेशली मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए जो एग भी नहीं खाते हैं, तो उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें डिप करेंगे, इसको वन बाय वन करेंगे हम इसे। और ये डिप करने के बाद हम इसे कोटिंग करेंगे सेवई की। ये हमने हाथ से बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस कर करके लगाना है ताकि हर तरफ जो है वो हमारी सेवई पूरी तरीके से लग जाए, कोई भी हिस्सा जो है वो हमारा खाली नहीं होना चाहिए। ये देखिए
रही, थोड़ा सा मैं हाथ से इसको प्रेस करती जा रही हूँ और मैं इसको दोनों हाथ पर टर्न कर रही हूँ कि जो लूज हमारी सेवई हो गई वो नीचे गिर जाएगी, अदरवाइज हमारा जो ऑयल है बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा जब आप फ्राई करोगे। ये देखिए मुझे बीच में लग रहा था कि नहीं लगी हुई है, तो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको प्रेस करती जा रही हूँ। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने नेस्ट बनाया हुआ है। ये देखें इसी तरीके से हम सारे प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये प्रिपेयर हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, बिल्कुल हमने गर्म रखना है ऑयल, और ये मैं हाई फ्लेम पर करके निकालूंगी क्योंकि मेरी सेवई जो थी वो ऑलरेडी जो थी वो रोस्ट की हुई थी, तो मुझे इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। आलू जो है वो हमारे बॉयल्ड है तो इसको पकने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको जस्ट फ्राई करके निकालती जाऊंगी। देखिए इस तरीके से आप इसे डालते जाएंगे। अगर आपने कच्ची सेवई यूज की है तो फिर ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना पड़ेगा ताकि आपकी सेवई जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि सेवई को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप रखोगे तो आपका रेडी हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा स्पेशल इफेक्ट करने के लिए पोटैटो में चीज़ जो है वो ऐड कर लिए। ये देखें जस्ट हमने चीज़ ही इसमें ऐड किए, बाकी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इस आलू से हम छोटे छोटे से एग के शेप्स बना लेंगे, ये हमें गार्निशिंग के लिए रिक्वायर्ड है। जब तक वो वहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे हैं ये हमने एग्स बना लिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल कर इसको हम उल्टा रखेंगे कि जो बीच में होल में अगर थोड़ा बहुत ऑयल है तो वो निकल जाए इसमें से। देखिए उल्टे रखने हैं हमने सारे भी, और हम इसे टिश्यू पेपर पर निकालेंगे कि तुम्हारा जो एक्सेस ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। अब हम सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने जो आलू थे उसके एग्स बना लिए थे और उसको जस्ट हमने ऊपर रखा है मिंट लीव्स के साथ में, और हमारे जो इवनिंग स्नैक है वो बिल्कुल रेडी है।